फ्रेंड्स अपन लोग अभी क्या देख रहे हैं, क्वार्टाइल डेविएशन देख रहे हैं, तो एक बार क्वार्टाइल्स भी रिवाइज कर लेते, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन की जब अपन लोग बात करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, तो उसके अंदर पहले आप लोग को यह समझना चाहिए कि क्वार्टाइल्स क्या रहते हैं। देखो अपने पास में तीन क्वार्टाइल्स रहते हैं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन को, जो गिवन ऑब्जर्वेशन को, जो गिवन नंबर्स को चार इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। Q1 को लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, Q2 को आप लोग प्यार से मीडियन बोलते हैं, Q3 को आप लोग अपर क्वार्टाइल बोलते हैं, Q2 दोनों के बीच वाला पॉइंट रहेगा, 50% ऑब्जर्वेशन इधर, 50% ऑब्जर्वेशन इधर। Q1 की जब मैं बात करता हूं तो 25% ऑब्जर्वेशन लेस देन और 75% ऑब्जर्वेशन मोर देन। Q2 के लिए 50 लेस देन 50 मोर देन, 50% ऑब्जर्वेशन लेस देन 50% ऑब्जर्वेशन मोर देन। Q3 के लिए 75% ऑब्जर्वेशन इधर 25% ऑब्जर्वेशन इधर, ये तो सभी लोगों को पता है। आगे जब मैं क्वार्टाइल डेविएशन की बात करता हूं, क्वार्टाइल डेविएशन, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, क्वार्टाइल से डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन मतलब एक क्वार्टाइल का दूसरे क्वार्टाइल से होने वाला फर्क, होने वाला डिफरेंस। तो अपन लोग क्वार्टाइल डेविएशन क्या करते हैं, Q3 - Q1/2। देखो Q3 कितना है, इतना है, इतने पार्ट को मैं क्या बोलता Q3। Q3 में से मैं अगर Q1 कम कर डालू, ये देखो इतना बचता है, उसका डिवाइड बाय 2 कर लू, मतलब ये बराबर 25% पार्ट बचने वाला है। तो क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर अपन लोग क्या कर रहे हैं, Q3 में से Q1 को कम कर रहे हैं, मतलब इतना पार्ट चलेगा, ये अब इतना पार्ट बचा, 25% ऑब्जर्वेशन इधर, 25% ऑब्जर्वेशन इधर, 50% ऑब्जर्वेशन कंसिडर कर रहे और उसको डिवाइड बाय 2 करने की वजह से बराबर आपको ये वाले पार्ट से डिफरेंस मिलने वाला। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 - Q1/2, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन जब अपन लोग निकाल रहे तो देखो आपको मालूम है रेंज क्या रहता था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। क्वार्टाइल में हाईएस्ट क्या है, Q3, लोएस्ट क्या है, Q1, Q3 - Q1। तो ये जो Q3 - Q1 है ना, मैं क्या बोलता है इसको, इंटर क्वार्टाइल रेंज अपॉन टू, मतलब इसको मैं बोलता हूं क्वार्टाइल डेविएशन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। रेंज क्यों बोल रहे हैं अपन, क्वार्टाइल का क्वार्टाइल डेविएशन मतलब क्वार्टाइल रेंज ही है, क्वार्टाइल डेविएशन मतलब क्वार्टाइल रेंज ही है, सिर्फ डिवाइड बाय टू इसके अलावा उसको हो गया सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो आओ अब अपन क्या करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन देखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आपको क्वार्टाइल के फॉर्मूले एकदम पक्के पता होना चाहिए। फॉर डिस्क्रीट अगर मैं देखता हूं तो Q1 क्या रहता था, Q1 क्या रहता था आप लोगों को पता है, Q2 क्या रहता था आप लोगों को पता है, और Q3 क्या रहता था आप लोगों को पता है। तो Q2 पहले देखेंगे, मीडियन, Q2 क्या रहता था, मीडियन N+1/2th term Q3 और Q4, समझ में आ रहा क्या। तो Q1, Q2 और Q3 आप लोगों को निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को Q1, Q2 और Q3 आप लोगों को निकालना पड़ेगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या रहता था, N+1/2 term, ठीक है। Q1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, N+1/4th term, Q3 क्या रहेगा, N+1/4 लेकिन साथ में 3, मतलब ये है देखो N+1/4, ये है 2N+1/4 और ये है 3N+1/4, N+1/4, 2N+1/4 और 3N+1/4, ये 2N+1/4 हो जाता है अल्टीमेटली N/2। तो क्वार्टाइल के फॉर्मूले आप लोग लिख सकते हैं, Q1 का N+1/4th term, Q2 का N+1/2th term और 3N+1/4th term, और क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 का वैल्यू माइनस Q1 का वैल्यू अपॉन, समझ में आ रहा है आप लोगों को। एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग, एग्जाम्पल है इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 15.2.18, ठीक है, नंबर्स दिए हुए 56, 48, 65, 35, 42, 75, 82, 60 और 55 और 50, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते, सबसे छोटा क्या है 35, फिर 42, फिर 48, फिर
50 फिर 55 फिर 56 फिर 60 फिर 75 और फिर 82 3 6 9 10 3 6 9 कौन सा बाकी है बेटा 35 हो गया 42 48 हो गया 50 55 56 50 55 56 60 हो गया 65 बाकी 65 फिर 75 और फिर 80 ठीक है ये अपने टर्म्स हो गए। अब क्या खास बात है देखो Q1 निकालना Q2 निकालना Q3 निकालना N कितना है N कितना है लोगों के पास में 10 तो यहाँ पे Q2 निकालने का भी जरूरत नहीं क्योंकि Q3 और Q1 ही होना इलेवन बाय फोर्थ टर्म 2.75 टर्म सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये मिडियल में भी देखा था सेकेंड टर्म कितना है 42 प्लस 0.75 4.75 समझ में आ रहा तो अपना आगे 46.5 भी आ गए आगे अपन लोग निकालेंगे Q3 Q1 आ गया 46. Q3 इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाय 4 टर्म लेकिन यहाँ पे 3 इंटू 11 बाय 4 33 डिवाइडेड बाय 4 8.25 इट इज इक्वल टू 8 टर्म प्लस 0.25 इंटू 9 टर्म माइनस 8 टर्म एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 65 प्लस 0.25 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75 माइनस 65 प्लस 0.25 इंटू 10 65 प्लस 2.5 67.50 Q3 आ गया 67.50 QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 Q3 इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 यहाँ पे लिखो 67.50 माइनस 46.50 डिवाइडेड बाय 2 67.5 माइनस 46.5 डिवाइडेड बाय 2 21 अपॉन 2 10.5 क्वार्टाइल डेविएशन आ गया 10.50 ठीक है उनका भी आ रहा अगला अपन लोग देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आपको मालूम है रेंज का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या रहता था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू 100 वैसा ही कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी क्या है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100 तो 67.5 माइनस 46.5 अपॉन 67.5 प्लस 46.5 इंटू 100 ऊपर तो 10.5 है सॉरी 21 67.5 प्लस 46.5 21 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 114 18.42 समझे क्या रेंज जैसा ही है बिल्कुल तो दो फॉर्मूले देखे मैंने अभी अगर मैं आपको रेंज का और इसका कंपैरिजन बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा देखो एक लिखता मैं एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा लिखता मैं रिलेटिव मेजर बिल्कुल सेम है एब्सोल्यूट मेजर
रिलेटिव में एच माइनस एल क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन टू एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल इन टू हंड्रेड क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन क्यू थ्री प्लस क्यू वन इन टू हंड्रेड बिल्कुल सेम है। ठीक है, देख लो शांति से फॉर्मूला लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने फॉर्मूले? ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखो ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन, ओपन एंडेड मतलब जैसे एग्जांपल नंबर 15